लोकसभा चुनाव के सातों चरणों की वोटिंग खत्म हो चुकी है। अब इंतजार है 4 जून का, जब 583 सीटों की तस्वीर साफ हो जाएगी। 4 जून को एबीपी न्यूज आपको सबसे तेज नतीजे दिखाएगा। बिल्कुल, और 543 सीटें तो हैं, उस पर नतीजे भी हैं, लेकिन सबसे फाइनल तेज नतीजों पर आपको एबीपी न्यूज आना होगा, जहां सी वोटर के साथ एक सर्वे तैयार किया गया है। ये 543 सीटें हैं, उसमें सबसे भरोसेमंद महा एग्जिट पोल हम आपके सामने रखेंगे, जिसमें एक बार फिर मोदी सरकार के बनने का अनुमान है। आयुषी, बिल्कुल, आपको हर राज्य की फाइनल पिक्चर दिखाएंगे, किसे कितनी सीट और कौन जाएगा बहुमत के पार, किसके लिए जनता ने बंद किए द्वार, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि 2019 की तुलना में इस बार एनडीए को भारी बहुमत का अनुमान है। एग्जिट पोल में एनडीए को बंपर बहुमत मिलता हुआ नजर आया। बिल्कुल, एक बार फिर मोदी सरकार के बनने का अनुमान बताया जा रहा है। पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं इस एग्जिट पोल में, जहां सर्वे सी वोटर का, और यहां सामने आया कि पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। लोकसभा चुनाव में इस बार प्रधानमंत्री मोदी इतिहास रचने की तरफ है। एग्जिट पोल के मुताबिक मोदी की हैट्रिक तय मानी गई है, लेकिन नजर ममता के गढ़ पश्चिम बंगाल पर भी है। एग्जिट पोल में ममता के गढ़ में बड़ा उलटफेर होते दिख रहा है। बड़ी खबर यह है कि देखिए, पश्चिम बंगाल के आंकड़ों में बड़ा उलटफेर हो गया है। एनडीए को बंगाल में भारी बढ़त, पोल के हिसाब से टीएमसी की सीटें कम हो सकती है एग्जिट पोल के हिसाब से। बिल्कुल, और इसी के साथ हम आपको बताते चले पश्चिम बंगाल की पूरी तस्वीर समझना है, आपको लिए चलेंगे डेटा सेंटर हमारी सहयोगी रोमाना के पास। और अब बारी आ गई है पूर्वी भारत के उस राज्य की, जो क्या इस चुनाव में सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन बीजेपी के लिए साबित होने वाली है। मैं राज्य की बात कर रही हूँ जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का एग्जिट पोल का आंकड़ा क्या कह रहा है? कुल 42 लोकसभा सीटें पश्चिम बंगाल की 42 सदस्य संसद भेजता है भारत का ये पूर्वी राज्य। और अगर बात की जाए 2019 की, तो यही पश्चिम बंगाल था जहां से बीजेपी को बढ़त जबरदस्त मिली थी। हालांकि ममता बनर्जी थोड़ा आगे रही थी, 22 सीटें टीएमसी के खाते में गई थी, 18 सीटों पर बीजेपी का काफिला रुक गया था कुल 42 सीटों में से। लेकिन वोट शेयर के मामले में मामला बेहद नजदीकी जो 2019 में रहा, इस बार 2024 में तस्वीर क्या रह सकती है? एग्जिट पोल का वो पहला आंकड़ा वोटिंग परसेंटेज वाला आपके सामने, और देखिए किस तरीके से यहां पर तस्वीर थोड़ी सी बदली हुई नजर आ रही है। मामला बेहद करीबी टीएमसी और बीजेपी के बीच यहां पर नजर आ रहा है। टीएमसी 43% वोट शेयर से घटकर 42% वोट शेयर पर आती हुई, और एनडीए बीजेपी आप देख रहे हैं किस तरीके से 40% से बढ़कर 43%, मतलब वोट शेयर के मामले में यहां पर साफ तौर पर बीजेपी टीएमसी पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। भले ही ये एक पॉइंट की बढ़त है, लेकिन क्लियर कट ये बढ़त है। और अगर वोटिंग परसेंटेज में ये बढ़त होती है तो क्या सीटों का फायदा बीजेपी को मिलने जा रहा है? अगर हाँ तो कितना? और ये रहा आंकड़ा आपके सामने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बल्ले बल्ले, क्योंकि 42 सीटों में से बीजेपी 23 से 27 सीटें जीत सकती है। ममता बनर्जी को झटका बड़ा लग सकता है अपने ही गढ़ में, ममता बनर्जी 13 से 17 सीटों पर सिमट सकती हैं, और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 से 3 सीट जा सकती है। ओडिशा के आंकड़ों में भी बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी को ओडिशा में भारी बढ़त मिलती हुई दिख रही है। ओडिशा में बीजेडी को भारी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है एग्जिट पोल के मुताबिक। बिल्कुल, ओडिशा की सभी की सीटों का हाल जानने के लिए चलते हैं डेटा सेंटर हमारी सहयोगी रोमाना के पास। ओडिशा का एग्जिट पोल का आंकड़ा जो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ, एक ऐसा प्रदेश जहां 2019 की अगर बात की जाए तो बीजेपी के खाते में यहां पर 8 सीटें गई थी, और बड़े भाई के भूमिका में बड़ी बढ़त यहां पर बीजेडी बीजू जनता दल ने बनाई थी। 2019 में बीजेडी ने 12 सीटें हासिल की थी, वोट शेयर के मामले में 5 पॉइंट का अंतर था बीजेपी और बीजेडी के बीच। इस बार क्या होने वाला है? लीजिए, मैं आपको ले आई हूँ इस डेटा यूनिवर्स में जहाँ पर अब आंकड़ा आने वाला है। ओडिशा का 21 लोकसभा सीटें हैं, वोट परसेंटेज के मामले में देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर एनडीए की बढ़त है। 45% वोट शेयर इस बार एनडीए के खाते में जाता हुआ, और बीजेपी जो है वो महज 33% वोट शेयर ही हासिल कर रही है। मतलब यहाँ पर बीजेपी को बड़ा गेन होने वाला है। फिलहाल वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा यही बता रहा है इंडिया गठबंधन के खाते में 18% वोट शेयर जाते हुए। तो कुल मिलाकर अगर इसको सीट्स में ट्रांसलेट किया जाए तो फिर वो नंबर क्या रहने वाला है? पिछली बार का मैंने आपको बताया 12-8 था, इस बार का नंबर क्या रहने वाला है? लीजिए, तस्वीर बदल गई है।
बीजू जनता दल का ओडिशा में सूपड़ा साफ होते हुए नजर आ रहा है। महज 1 से 3 सीटों पर बीजू जनता दल सिमटता हुआ नजर आ रहा है और 21 सीटों में से 17 से 19 सीट ओडिशा को बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली की 7 सीटों पर अभी बीजेपी काबिज है, लेकिन इस बार बीजेपी ने कई सीटों पर प्रत्याशी बदले हैं। 1 सीट छोड़ करके सभी प्रत्याशी बदल दिए गए। मां एग्जिट पोल में इस बार दिल्ली में इंडिया गठबंधन का खाता खुल सकता है। बिल्कुल, महा एग्जिट पोल में दिल्ली की क्या तस्वीर है, चलते हैं डेटा सेंटर हमारी सहयोगी रुमाना के पास। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें चाहे 2014 हो चाहे 2019 हो, क्लीन स्वीप बीजेपी करती रही है राजधानी दिल्ली में। इस बार क्या होने वाला है? पिछली बार का अगर वोट शेयर बात की जाए तो 56% बीजेपी ने वोट शेयर हासिल किया था, कांग्रेस 22%, आम आदमी पार्टी करीब 18% थी। तो इस बार का आंकड़ा क्या रहेगा? 7 आने के बाद क्या कोई कमाल दोनों दल कर पाएंगे, इसी को लेकर बड़ा सवाल है। और तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, सीधे आपको लेकर चलेंगे एबीपी न्यूज के डेटा यूनिवर्स में, जहां से लगातार एग्जिट पोल के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। और ये बताते हुए कि एग्जैक्ट पोल मतलब 4 जून, लेकिन आज उसी का सटीक अनुमान यहाँ एग्जिट पोल के आंकड़ों में मैं आपको दिखा रही हूँ राजधानी दिल्ली। और ये जो गठबंधन वाला फॉर्मूला है कि कितना फेल कितना पास, फिलहाल एनडीए के खाते में आप देख रहे हैं 51% वोट शेयर जाता हुआ बीजेपी के खाते में, मतलब और इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर 46% वोट शेयर हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर वोट शेयर के मामले में कवर अप करते हुए इंडिया गठबंधन बीजेपी के मुकाबले। और सीटों के लिहाज से अगर आप देखें तो 7 सीटों में से बीजेपी के खाते में 4 से 6 सीटें जा सकती हैं और इंडिया गठबंधन मतलब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में 1 से 3 सीट हासिल कर सकते हैं। बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में एनडीए को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है एग्जिट पोल में। झारखंड में एनडीए की सीटें बढ़ सकती है। झारखंड में एनडीए को 53% वोट। बिल्कुल, और इसके लिए और डिटेल्स के लिए चलते हैं डाटा सेंटर। झारखंड का एग्जिट पोल का आंकड़ा मैं आपको दिखाने वाली हूँ। एक ऐसा प्रदेश जो आदिवासी बहुल प्रदेश माना जाता है, एक ऐसा प्रदेश जहां से लोकसभा की 14 सीटें आती हैं, वो प्रदेश जहां से एनडीए को जबरदस्त समर्थन मिला था 2019 चुनाव की अगर बात की जाए तो। वोट शेयर के मामले में भी एनडीए बाजी मारता हुआ करीब 56% के आसपास था और इंडिया गठबंधन तब जो कि यूपीए के तौर पर था वो महज 35% के आसपास। तो ऐसे में इस बार क्या रह सकता है नतीजा? नतीजे का सटीक अनुमान, झारखंड 14 लोकसभा सीटें और एनडीए का वोट शेयर पिछली बार की तरह 53% के आसपास। हालांकि पिछली बार से यहाँ पे 3 पॉइंट की कमी नजर आ रही है, क्योंकि पिछली बार 56 था और वहीं इंडिया गठबंधन आप देख रहे हैं, इंडिया गठबंधन जो है वो 38% वोट शेयर के साथ पिछली बार के मुकाबले थोड़ी सी बढ़त वोट शेयर के मामले में बनाता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में अगर इस वोट शेयर को सीटों के लिहाज से तब्दील किया जाए तो सीटों का बड़ा नंबर आपके सामने, एनडीए के खाते में 11 से 13 सीटें जा सकती है, इंडिया गठबंधन के खाते में 1 से 3 सीट जा सकती है, मतलब कुल मिलाकर कमोबेश वही तस्वीर।